अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज और मैं हूं मोहम्मद आमिर। सबसे पहले बुलेटिन में, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इरादा किया गया। पाक फौज के शोबे बराए ताल्लुकात यामा ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आर्मी चीफ का कहना था कि मादरे वतन का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाया जाएगा। कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत से मुतालिक समझौता नहीं किया जाएगा। जमियत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने अपोजिशन जमातों के साथ कई दिन के मुलाकातों और मुजाकरात के बाद आखिरकार आजादी मार्च की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक JUI फजल रहमान ने 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुजाहिरों के साथ साथ इस्लामाबाद की तरफ आजादी मार्च शुरू होगा। फैसला किया है 27 अक्टूबर को हम कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती मनाएंगे। साई वजीर आला सिंह का बड़ा फैसला, मॉडल पुलिस बनाने का फैसला, ऐसे चोर को DDO पावर देने की हिदायत। पुलिस स्टेशन को जम करके इनको मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाए, वजीर आला सिंह सैयद मुराद अली शाह। कराची में लूटा मारी कम न हो सकी, बहादुराबाद में बैंक से पैसे लेकर निकलने वाले बुजुर्ग को रास्ते में लूट लिया गया। मेन रोड पर चलती हुई मोटरसाइकिल को गन पॉइंट पर रोककर पैसे निकलवा लिए गए, पर किसी ने मदद न की।